नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कंचन भारद्वाज। स्वागत करती हूं आपका वन इंडिया हिंदी में। चुनावी सफर के इस बुलेटिन में आज बात करेंगे तेलंगाना की भूंगेर लोकसभा सीट की, जहां से टीआरएस नेता के बी नरसैया बुर्रा सांसद हैं। उन्होंने साल 2014 के चुनाव में इस सीट पर कांग्रेस नेता के राजगोपाल रेड्डी को 30,494 वोटों से पराजित किया था। नरसैया को 4,48,245 वोट मिले थे, तो वहीं कांग्रेस के राजगोपाल रेड्डी को 4,17,751 वोटों पर संतोष करना पड़ा था। इस सीट पर तीसरे नंबर पर रहे बीजेपी के इंद्रसेन रेड्डी को 1,83,217 वोट मिले थे, जबकि चौथा नंबर सीपीएम का था, जिसके प्रत्याशी को केवल 54,035 वोट प्राप्त हुए थे। तेलंगाना की भूंगेर लोकसभा सीट 2008 में परिसीमन के बाद बनी थी। इस सीट का इलाका तेलंगाना के रंगा रेड्डी, नल गोंडा और वारंगल जिलों में आता है। 2011 की जनगणना के अनुसार इस सीट की आबादी 20,09,432 है। इसमें से 85.29% आबादी ग्रामीण है और 14.71% आबादी शहरी इलाके में रहती है। यहाँ अनुसूचित जाति के 9.5% लोग और अनुसूचित जनजाति के 5.94% लोग निवास करते हैं। भूंगेर में 7 विधानसभा सीटें हैं, जिनके नाम हैं इब्राहिमपट्टनम, भुवनगिरी, थुनगाथू, रथी, अलेयर और जनगांव, जिसमें से करिकल और थुनगाथू रथी सीटें अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित हैं। भूंगेर में पहला आम चुनाव साल 2009 में हुआ था, जिसमें कांग्रेस पार्टी को जीत मिली थी और के राजगोपाल रेड्डी यहां से सांसद चुने गए थे। लेकिन साल 2014 के चुनाव में उन्हें टीआरएस नेता के बी नरसैया बुर्रा से शिकस्त झेलनी पड़ी थी। के बी नरसैया पहली बार यहां से जीतकर लोकसभा पहुंचे थे। टीआरएस के कद्दावर नेताओं में शामिल सांसद बी नरसैया श्रम मामलों की स्टैंडिंग कमेटी के सदस्य भी रहे हैं। उनके प्रदर्शन की बात करें तो दिसंबर 2018 की रिपोर्ट्स के अनुसार उनकी लोकसभा में उपस्थिति 57% रही है। उन्होंने सदन में कुल 62 बहसों में हिस्सा लिया है। इस दौरान उन्होंने कुल 210 प्रश्न पूछे हैं, जबकि राष्ट्रीय औसत 285 सवालों का है, तो उनके राज्य के सांसदों का औसत 295 सवालों का है। आपको बता दें, नरसैया 16वीं लोकसभा में 10 प्राइवेट मेंबर बिल भी लाए हैं। नरसैया ने अपने निर्वाचन क्षेत्र के विकास कार्यों में अपनी सांसद निधि में से 16.60 करोड़ यानी करीब 16,07,00,000 रुपए खर्च किए हैं। साल 2014 के चुनाव में इस सीट पर कुल मतदाताओं की संख्या 14,92,251 थी, जिसमें से केवल 12,11,943 लोगों ने अपने मतों का प्रयोग किया था और मतदान किया था, जिसमें पुरुषों की संख्या 6,22,333 और महिलाओं की संख्या 5,89,610 थी। देश में मोदी लहर के बावजूद पिछले चुनाव में टीआरएस ने पूरे राज्य में जबरदस्त प्रदर्शन किया था। उसने राज्य की 17 सीटों में से 11 पर जीत हासिल की थी। यही नहीं, इस चुनाव के बाद कांग्रेस, वाईएसआर कांग्रेस और टीडीपी के एक एक सांसद केसीआर खेमे में चले गए थे, जिससे अब टीआरएस का स्कोर 14 है, जबकि एक एक सीट पर बीजेपी, कांग्रेस और एआईएमआईएम के सांसद हैं। यहाँ के प्रमुख सांसदों में बीजेपी सांसद बंडारू दत्तात्रेय और उनके अलावा एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी भी तेलंगाना से ही सांसद हैं। यहाँ के विधानसभा चुनाव में भी तेलंगाना राष्ट्र समिति यानी टीआरएस के पास इस 88 सीटें मिली थीं, जबकि कांग्रेस को 19, एआईएमआईएम को 2, टीडीपी को 2, बीजेपी को 1, ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक को 1 और निर्दलीय को 1 सीट मिली थी। ऐसे में यहाँ टीआरएस को चुनौती देना दूसरे दलों के लिए आसान नहीं होगा। देखते हैं इस बार के लोकसभा चुनाव में भी किसका जादू चलता है, या फिर हमें कुछ और चौंकाने वाले नतीजों से रूबरू होना पड़ेगा। फिलहाल इतना ही, दीजिए मुझे इजाजत, अगली बार आऊंगी आपके सामने नई लोकसभा सीट के पूरे प्रोफाइल के साथ। नमस्कार।